नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप तक। आज के टॉप हेडलाइंस हैं, गलत दावे और झूठ बोले चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अल्पार आग, कहा हमने कभी नहीं कब्जाई एक इंच भी जमीन। चीन में 6 महीने बाद कल से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने। रूस के विपक्षी नेता नवेलनी के शरीर में नोविचोक जहर मिला जर्मनी। चीन की नजर अपने परमाणु हथियारों की संख्या दोगुना करने पर पेंटागन। पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट होना शुरू हो गई है, पोम्पियो। दक्षिणी तट खाली कराने के बाद अब उत्तरी पेंगोंग में चीनी सेना की घेराबंदी, भारतीय जवानों की विशेष टुकड़ियां तैनात। संसदीय समिति की बैठक के बाद फेसबुक ने कहा यह खुला और पारदर्शी प्लेटफॉर्म बने रहने के लिए प्रतिबद्ध। 3 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में होंगे शामिल। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एमलॉक और पबजी समेत 118 ऐप को किया बैन। रविशंकर प्रसाद ने कहा सुरक्षा निगरानी डेटा संबंधी चिंताओं को लेकर प्रतिबंधित किए गए 118 ऐप। पटना में से पैसेंजर ट्रेन शुरू, पहले दिन 1200 लोगों ने किया सफर, शाम में दिखी अधिक भीड़। पप्पू यादव को महंगा पड़ा शिक्षकों के साथ प्रदर्शन में शामिल होना, केस दर्ज। नवादा में 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, एएसआई समेत 3 घायल। बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन, 41 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी, आरजेडी ऑफिस पहुंचे रालोसपा नेता, बंद कमरे में 1 घंटे तक चली वार्ता। बिहार में 1969 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 722 हुई। कटिहार में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी बने बबलू गुप्ता, कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल। कटिहार में टीईटी शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का फूका पुतला। हाजीबासी टोला में दादा द्वारा दिए गए काम को नहीं सुनने पर युवती को मारा, सदर अस्पताल में इलाज जारी। सदर अस्पताल में गंदगी और बदबू से मरीज परेशान, बरामदे में सोने को है मजबूर। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 7 विधानसभा के सेक्टर पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली को लेकर पूर्वी सेक्टर अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। जिले में दिव्यांगों ने अपनी समस्या का समाधान न होने पर जिला अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। हरिशंकर नायक विद्यालय में शिक्षक संघ के सभी संगठनों की सामूहिक कार्यशाला का हुआ आयोजन, सेवा शर्त पर की गई चर्चा। रालोसपा जिला कार्यालय में शिक्षा सुधारों को लेकर की गई बैठक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27।